जंतर मंतर पर पुलिस और पहलवानों में घमासान। बेड पर बवाल के बाद रो पड़ी विनेश फोगाट और साक्षी। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच बुधवार देर रात जमकर कहासुनी हुई है। पहलवानों का आरोप है कि बारिश की वजह से उन्होंने बेड मंगवाए थे। पुलिस ने धरना स्थल पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। पहलवान बजरंग पूनिया का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने बहन बेटियों की गालियां दी और मारपीट की। वहीं फोल्डेबल बेड लेकर मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाद में उनको छोड़ दिया गया। देर रात संवाददाता सम्मेलन में पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, वे देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी हैं, मगर उनके साथ अपराधियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि देर रात सोमनाथ भारती और बगैर इजाजत के धरना स्थल पर फोल्डेबल बेड लेकर जा रहे थे। पूछताछ करने पर उनके समर्थक उत्तेजित होकर ट्रक से बेड उतारने लगे। इसी दौरान सोमनाथ भारती और उनके दो समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले फोल्डवेल बेड लेकर पहुंचे सोमनाथ भारती ने बताया कि सिर्फ इसलिए कि प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों ने बारिश में रात बिताने के लिए फोल्डेबल बेड की मांग कर रही थी और उन्होंने उनकी मांग का समर्थन किया तो उनको हिरासत में लिया गया और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर आरोप लगाया कि शराब पीकर उन्होंने पहलवानों पर हमला किया है। बकौल भारद्वाज, उपराज्यपाल ध्यान दें कि जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने पहलवान पर हमला किया। आरोप है कि पुलिस वाले ने शराब पी रखी है, इसकी MLC करवाई जाए। जंतर मंत्र पर केंद्र सरकार ने महिला पहलवानों के साथ ठीक नहीं किया। क्या हमारी बहन बेटी कीचड़ में सोएंगी? क्या उन्हें एक फोल्डिंग बेड भी नसीब नहीं हो? भाजपा का घमंड जल्द टूटेगा। सौरभ भारद्वाज, मंत्री, दिल्ली सरकार। सिर्फ इसलिए कि प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों ने बारिश में रात बिताने के लिए फोल्डेबल बेड की मांग कर रही थी और मैंने उनकी मांग का समर्थन किया, मुझे हिरासत में लिया गया और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया।